सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द नॉकआउट क्रिएटर। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं हांगकांग का ब्लॉग पार्ट नंबर वन। ये जो कंप्लीट ब्लॉग है वो 3 से 4 पार्ट में मैंने रिलीज़ करना है एंड ये ब्लॉग को थोड़ा डिले हो चुका है, थोड़ा नहीं ज़्यादा डिले हो चुका है। वेल, आई वॉज बैक फ्रॉम हांगकांग ऑन 17th of October, बट अनफॉर्चुनेटली आई मेट विद अ सीरियस बाइक एक्सीडेंट। सो देयरफॉर ये वीडियो देख पा रहे आप स्टिचेस वगैरह। सो ये सारी चीज़ों को लेकर के आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बैड रेस्ट एंड ये वीडियो एडिटिंग को, डबिंग को, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। बट आई विल मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें ऑन टाइम रिलीज़ हो एंड ये चारों पार्ट्स आपको विद इन अ वीक या विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 weeks में आपको प्रोवाइड कर दूँ एंड मज़ा आएगा आपको ब्लॉग में। जितना हो सकता था मैंने सारा कुछ कवर किया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। सो ये ट्रिप की शुरुआत मैंने भगवान के आशीर्वाद के साथ करी थी और ट्रिप बिल्कुल ही अच्छा गया, जिसे आप आगे वीडियो में देखेंगे। हेलो गाइस, एंड अभी फिलहाल वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंच करके इमिग्रेशन चेक होगा, डिपार्चर के लिए बोर्डिंग पासेस वगैरह कलेक्ट करने हैं। वेब चेक इन तो हो चुका है फिलहाल। तो क्या सारा प्रोसीजर था? फर्स्ट टाइम गोइंग टू हैव अ इंटरनेशनल क्लाइंट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत कुछ अलग मजा होगा, बहुत चीजें नई सीखने को मिली। क्या सारा प्रोसेस था एंड इमिग्रेशन में क्या सारे सवाल पूछे गए, कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, तो फिलहाल ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर इट। लेट्स सी आगे की जर्नी कैसी होती है। फिलहाल तो अभी मैं रिक्शे में हूँ, सो आपके मैंने फिलहाल ये पहना है जैकेट एंड ऑल एंड यहाँ पे अपना बैग्स वगैरह। सो देखते हैं, मजेदार होगा ये ब्लॉग। सो हाय गाइस, एंड राइट नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट। द इमिग्रेशन चेक was cleared just in 2 minutes. Like I was just amazed and shocked at the same time कि 2 मिनट के अंदर कैसा हो गया। मुझे लगा कि भाई कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट सवाल जवाब किया जाएगा, फॉर व्हाट पर्पस, क्या है क्या नहीं, ये सब सवाल किया जाएगा। बट लकीली इट वॉज डन सो स्मूथली, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, सीमलेसली डन। वाओ, तो दो सवाल किए गए बस मुझे कि वेर आर यू ट्रेवलिंग। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट इनफ, फर्स्ट मैंने उनको ग्रीट किया लाइक गुड इवनिंग सर। तो सामने से सवाल आया कि वेर आर यू ट्रेवलिंग, आई एम ट्रेवलिंग टू हांगकांग। एंड एक चीज सीखा है ना बचपन से कि जब सवाल किया जाता है ना कि वेर आर यू ट्रेवलिंग, तो कंप्लीट सेंटेंस में जवाब दो आई एम ट्रेवलिंग टू हांगकांग एंड कॉन्फिडेंस के साथ में, यस आई एम ट्रेवलिंग टू हांगकांग। एंड दूसरा सवाल आया फॉर व्हाट पर्पस, सो हाँ भाई आई एम ट्रेवलिंग फॉर द बिजनेस पर्पस। ही वाज लाइक ओके ना, हो गया चेक खत्म, दो सवाल 2 मिनट में खत्म, मैगी जैसे सवाल जवाब सब फिनिश एंड सब कुछ वेरी ग्रेटली डन। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, मस्त मजा आया। सो वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम यर इज दैट कि जब आप बोर्डिंग पास कलेक्ट करने जाते हो ना, तो उस समय पे जो वहां पर बैठे हुए होते हैं ना, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मे आई गेट एन अपग्रेड, क्या मुझे अपग्रेड मिल सकता है। सो ऑल्टा वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द इकोनॉमी क्लास, सो मैंने जब उनको पूछा कि मे आई गेट अपग्रेड, तो लकीली सामने से पूछने पे अगर अपग्रेड रहता है तो दे अपफ्रंटली आपको इस चीज का जवाब दे देंगे कि आपको अपग्रेड मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, आप समय ट्राई करेंगे, जाता है तो वेल एंड गुड। अपग्रेड या फ्री अपग्रेड तो मत देना भाई, अगर इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी हो गया तो। सो ये सारी चीजें है ट्राई करने की, यू कैन ट्राई ऑल दिस थिंग्स। वेल आगे बढ़ते हैं फ्लाइट पे, रात की फ्लाइट है सिलेक्ट स्वीट एंड थ्री फर्स्ट को। सो व्हाट्सअप का So we are here right now, so we will find through this way
राइट फ्रॉम मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, नागपुर. एंड फ्रॉम हियर वी विल बी गोइंग टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट हांगकांग. सो दिस वॉज द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड जिसके बाद में हमने होटल में चेक इन किया, जो कि आप आने वाले वीडियो में देखेंगे. होटल में चेक इन करने के बाद में यू आर अबाउट टू लीव फॉर द एक्सपो. सो दिस वॉज द एशिया वर्ल्ड एक्सपो, जिसके लिए आई गॉट ड्रेस्ड अप वेरी क्विकली, हैव कम्प्लीटेड द डे, जिसके बाद में वी वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एंड ये एक लाइव म्यूजिक इवेंट चल रहा था. Combination of music in this, na? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wonderful. On the bar. So guys, right now we are at the Regala Hotel. This is Tesla. Super amazing cars भी यहाँ पे, super duper amazing है. Look at this car. ये भी super duper amazing है. शानदार होटल है, बहुत बढ़िया होटल है. लाइव म्यूजिक के साथ में आपको यहाँ पर हर तरीके की amenities मिल जाती है, including the gym, including everything over here. कंट्री के हिसाब से कुछ कुछ चीजें होगी जो थोड़ी बहुत डिफर करेगी यहाँ पर, सो उसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा. एंड आप यूज हो जाओगे दो दिन एक दिन के अंदर ही, दैट इज क्वाइट नॉर्मल. बट जो यहाँ पर स्पेस वगैरह है, दैट इज रियली सुपर डुपर अमेजिंग. यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का लाइव म्यूजिक, यहाँ के लोग, द वे दे टॉक टू यू, द वे दे रिस्पेक्ट यू, घर की याद भी आती है. बट ठीक है, अच्छे लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, टाइम निकल जाता है, टाइम बीत जाता है, फिर वाले से बात कर लेते हैं. इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है होटल में, होटल के अंदर वाईफाई का एक्सेस है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है. व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं या तो फिर इंटरनेशनल रोमिंग अगर आप करवाना चाहे तो वो फिर आप करवा सकते हैं. सो हेलो एवरीवन, एंड फिलहाल आज जो तारीख है वो है 12 अक्टूबर और इस समय रात के बज रहे हैं, कह सकता हूँ सुबह के बज रहे हैं, 4:23. एंड फिलहाल जो इंडिया में टाइम हो रहा है वो अराउंड 2 घंटा पहले कह सकते हो, रात के अराउंड 2 या 2:30 बज रहे होंगे. तो फिलहाल इस समय मैं, नींद तो पूरी हिल चुकी है,
ढाई तीन घंटे की नींद मैंने लिया है ऑलरेडी सोने के बाद में। अब नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि सारे पैकिंग्स वगैरह करके हटाऊं, तो ये मैंने सारे पैकिंग कर चुका है, ये एक बैग पैक हो चुका है और इसमें भी मैंने कुछ सामान वगैरह थे जो प्रॉपरली अरेंज करके रख दिया है। रूम वगैरह सब क्लीन किया भाई, क्योंकि क्लीन एंड टाइडी रूम पसंद है, बिल्कुल सॉर्टेड करके रखा है। सो सुबह उठ करके बस कपड़े चेंज करने हैं एंड ये होटल से चेकआउट करके हमें निकलना है नीना होटल के लिए। तो राइट नाउ वी आर इन रिगाला होटल, फिर ये चेकआउट करके हम जाएंगे नीना होटल जहाँ पर हमारा 4 दिन का या 5 दिन का अराउंड, तो जहाँ पर हमारा 4 से 5 दिन का स्टे, तो वो 4 से 5 दिन की स्टे हम नीना होटल में ही करने वाले हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अमेजिंग होटल जहाँ पर बाजू में वांग चाय करके स्ट्रीट है। फिलहाल तो मैं नींद नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज टू कि यहाँ से निकलते हैं बाहर और बाहर जा करके देखते हैं कि हाउ इज़ द नाइट लाइफ ऑफ हांगकॉन्ग। फिलहाल नाइट लाइफ तो नहीं बोल सकता क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हो चुका है, 4:23 हो चुके हैं, तो अर्ली मॉर्निंग तो कह सकते हैं इसे अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं। अभी देखते हैं कि कैसा है बाहर का व्यू, बाहर कितनी शांति चाहिए, इज इट रियली सेफ टू गो आउट इन द नाइट, तो जा कर के देखते हैं कैसे नाइट लाइफ। फटाफट में शूज वगैरह पहन लेता हूँ और फिर हम यहाँ से तुरंत निकलते हैं। Same place going in the heart of the city, nitty gritty feels iffy and the eyes feel shifty. The shit we're in, yo, it's all mad risky. ये एक अलग ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। दूसरे कंट्री में रात में बाहर निकलना एक दूसरे कंट्री के बंदे के लिए कितना सेफ होता है और लोग कैसे लोग मिलेंगे, तो ये सारा चीज़ भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके निकलना ही पड़ता है, इट्स नॉट दैट इजी ऑब्वियस। सो देखते हैं, दिस इज माई वॉच विच आई लव अ लॉट। सो व्हेरेवर आई गो आई कैरी दिस स्टफ। So, बढ़ते हैं फ्लाइट की तरफ। ये कीज को मैं अपने पास रख लिया हूँ, तो साइलेंट है। टू गो टू द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर भी मैच कर दिया है और ये हम सेट है, ऑल सेट। दिल की धड़कने बढ़ते हैं ना इतने रात को किसी और कंट्री में। अभी फिलहाल जो इंडिया में टाइम हो रहा है वो 1:56 हो रहा है, मैंने वॉच में इंडिया का टाइम चेंज ही नहीं किया। डेबिट राइट या डेबिट? ओके, इज इट सेफ टू शूट वीडियो आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट at this time? Just hum, it won't go anywhere. But this moment, no any car. Acha, nothing as such to shoot over there? Yeah. At this moment. Okay, but there's no problem as such, right? All right, no idea about it. Yeah, so let me just give you a overview of the hotel, so how it looks. So, well, this is Rigala Hotel in Petra. This is the place where you can dine. So this is the dining area. Well, it is now closed completely and this is the mini bar kind of. ऐसे कुछ मिलने नहीं वाला है अभी ये टाइम पे शूट करने के लिए, बट ऑब्वियस है ये टाइम शूट करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, बट लेट अस एक्सप्लोर कि कुछ तो मिल जाए। पीछे से बाहर का एक बार व्यू दिखा दूँ आप लोगों को कि कैसा दिखता है हांगकांग रात में। तो एरिया है अमेजिंग अमेजिंग सुपर डुपर अमेजिंग। देख रहे हो मतलब खूबसूरत जगह है, पॉजिटिव एम्बियंस है भाई, अपने को मज़ा आता पता है ऐसे जगह पे ना घूमने के लिए रात खड़े पे, या कोई कुछ ना परेशान करने वाला हो, ना कोई बीड़ी फूक रहा ना कोई सिगरेट फूक रहा हो, एकदम साइलेंट।
हाँ भाई, अपने को याद भी रखना है कि एंट्री का कौन सा है, यहाँ से एंट्री मार के मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया था। ओके, अपना वीडियो देख करके पता लग जाएगा, तो पता चला मैं रात भर पागलों से बाहर घूम रहा हूँ भाई, क्योंकि फोन कॉल्स भी नहीं लगते यहाँ पे, इंटरनेट का एक्सेस मिला तभी जाकर के कॉल लगेंगे, इंटरनेशनल कॉलिंग एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसा नहीं हो जाए ना कि बाहर का बाहर ही खड़ा रह चुका भाई, में दिक्कत हो जाएगी वरना। तो इट इज नियर बाय टू द एयरपोर्ट, तो इस चक्कर में यहाँ पर फ्लाइट्स वगैरह टेक ऑफ होती रहती है दिन दहाड़े रात तिहाड़े। हम वहां से एंट्री लिए थे हमने, परफेक्ट। वेल, यहाँ पर पहुंच चुके हैं अभी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं पे भी बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, प्लीज गेट अ पावर बैंक अलॉन्ग विथ यू, बिकॉज मेरा जो फोन है S21 FE 5G, 4500 mAh की बैटरी है, जो कि हार्डली मेरे को, अगर मैं कंटिन्यूस वीडियो शूट्स करना है तो उसके लिए मुझे दो तीन घंटे का ऐसा ही बैकअप मिल पाता बैटरी का, ज़्यादा बैकअप नहीं मिल पाता बैटरी बैकअप, जिस चक्कर में आई नॉट एबल टू शूट द वीडियोस। आज सुबह भी जहाँ पर मैं एक्सपो में विजिट किया था वहाँ पर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। सी दिस स्नेल जो कि बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, एंड ईजीली कोई भी बस इसे कुचल करके जा सकता है। तो अपन भाई साहब को उठाते हैं, भाई साहब को रख देते, तो हमारा बाहर आना वर्थ हो गया, हमने एक नन्ही सी जान को बचा लिया। चलो ये भी सॉर्टेड है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, पावर बैंक कैरी करो, और एल्स इफ यू ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री अदर देन इंडिया, तो आपने एक यूनिवर्सल सॉकेट भी कैरी करना है। वो यूनिवर्सल सॉकेट आपको कैरी करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर जो चार्जिंग के सॉकेट्स होते हैं चाइनीज सॉकेट्स, वो माइनस सॉकेट्स होते हैं, तो यहाँ पर आपका चार्जर भाई जाने नहीं वाला है। हाउएवर लकीली यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है और टाइप ए यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है, जिसकी मदद से वी कैन शूट वीडियो, सॉरी जिसकी मदद से वी कैन चार्ज आवर मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस, बट वो फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। स्काई सिटी रोड राइट नाउ विच इज नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, जस्ट 15 मिनट्स अवे। तो यहाँ पर तो फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ब्रिज है, बहुत ज़्यादा आगे चलना पड़ेगा, तो हम करते हैं इस तरफ चलने की कोशिश, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। वेल, यहाँ पर कुछ तो भी बहुत तगड़ा कुछ बन रहा है, मे बी एयरपोर्ट ही बन रहा है यहाँ पे। हैव अ व्यू एट दिस। तो भाई अपन बीच रास्ते में है, लुक एट द टैक्सीज, यहाँ की टैक्सीज और यहाँ के कार्स तो अमेजिंग है, बट टैक्सी वो बिल्कुल जैकी चैन का पिक्चर देखा होगा ना, जैकी चैन कौन से टैक्सी वगैरह से पिक्चर में दिखाते पुराने टाइप की टैक्सी, फुल एकदम वैसा ही फील है भाई। रात में अपन अकेले निकले, वहाँ ठीक है पुलिस की पेट्रोलिंग वैन नहीं आ जा भाई, इतने रात क्या कर रहे हो आप, कुछ नहीं भाई, पंखा ही पंखा ही खून कुछ नहीं भाई, वीडियो शूट करने निकले बाहर, मैं छोटे मोटे ब्लॉगर है, वीडियोस वगैरह बना देते हैं। लैंड फ्लोर पे आ चुके हैं, जय जय श्री राम। ये है मैं पहुंचे हर महादेव, तो हम अब
अपने रूम में पहुंच चुके हैं। तो भाई ये रूम में सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं, तो ये वीडियो को अभी अपन स्टॉप करेंगे यहीं पे। हाँ, थक भी चुके हैं, थोड़ा आराम रेस्ट कर लेते हैं।